गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा कबीर जी अपनी सृष्टि रचना के बारे में जानकारी देंगे और एक धर्मदास नाम के उनके शिष्य थे, बांधोगढ़ के रहने वाले थे, वो उन वरिष्ठ आत्माओं में से थे, उन वर्णीय आत्माओं में थे जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा सा संकेत आपको वेदों में देंगे, क्योंकि रात्रि में ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा काम करता है। और पुण्यात्माओं, यहाँ ये सारी व्यवस्था प्रभु ने आप पुण्यात्माओं के लिए करवाई है। इतना बड़ा सेट बनवाया अपने बच्चों के लिए, इनके ऊपर पंखे की व्यवस्था करवाई, प्रोजेक्टर का प्रबंध करवाया अपने बच्चों से, इसलिए कि आप जी परमात्मा से परिचित हो जाएं। एक बार आप परमात्मा से परिचित हो गए फिर आपको मोक्ष में देर नहीं है। इतना आसान मार्ग है ये मोक्ष का, परमात्मा को पाना सबसे आसान कार्य है, सबसे आसान जॉब है। लेकिन परमात्मा पहचानना और जो साधना हम कर रहे हैं ये विश्वास होना कि ये सत्य है, ये कठिन है। और इसको बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से और सद्ग्रंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला किया करता है, वो कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है। और विशेषकर पवित्र हिंदू समाज, वैसे तो ये सद्ग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये किसी मजहब विशेष के सदग्रंथ नहीं हैं। लेकिन अनजानपने में इनको हिंदुओं के नाम कर रखा है, क्योंकि इन सदग्रंथों की रचना उस समय हुई थी जिस समय कोई भी धर्म नहीं था। एक वैदिक धर्म बोलते हैं, यही धर्म था, मानव धर्म समझो, और पूरा विश्व एक ही तरह की साधनाएं किया करता था। लगभग 5500 वर्ष पहले इन सदग्रंथों की रचना महर्षि व्यास जी द्वारा हुई थी। फिर भी हम ये सोचकर चलें कि ये हिंदुओं के ही सदग्रंथ हैं, तो पवित्र हिंदू समाज को तो इसका गर्व है कि हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण सत्य हैं। तो उन्हीं सदग्रंथों में जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है और उसका आज तक भी हमें पता नहीं, जबकि हम जिनको गुरु मानते थे, महर्षि मानते थे, और वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता भी थे, विद्वान कहलाते थे, वो भी इन सदग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को समझ नहीं सके।
उन आत्माओं पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। और रही बात पुराणों की या उपनिषदों की, ये किसी ऋषि विशेष की, देव विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव, लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान है। हम इनको भी मुख्य मानते रहे, इनको भी आधार मानकर पवित्र हिंदू समाज परमात्मा को मानता है, जानता है। तो आज वो सदग्रंथ हमारे समक्ष हैं, उनमें जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है वो हम तक नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारे जो गुरु थे वो टीचर ठीक नहीं थे, वो आध्यात्मिक गुरु ठीक नहीं थे, क्योंकि वो अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे। और वो आज तक परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, और वेदों का भी उस साथ में रेफरेंस देते हैं कि वेदों में परमात्मा को निराकार बताया है, वेदों में परमात्मा को सैकड़ों स्थानों पर साकार बताया है और नर आकार बताया है। कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है। इन चारों वेदों में जौन से वेद से मैं मिलूं, वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो स्वयं परमेश्वर ने आकर के अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उल्लेख किया, उसको ये वेद जानते नहीं। उन वेदों में वो ज्ञान, इन चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों में पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इनमें केवल ब्रह्म तक की साधना, पांचों यज्ञ, ओम नाम का जाप, यहाँ तक लिखा है। ये समझ लिए कि ये मैट्रिक तक का सिलेबस है, दसवीं तक का सिलेबस वेदों में है। इससे आगे और बहुत सी क्लासेज हैं, वो ज्ञान, वो सिलेबस सूक्ष्म वेद में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, कबीर वाणी में है। अब रामानंद जी को परमात्मा बता रहे हैं कि स्वामी जी देखिएगा वेदों में परमात्मा के कितने प्रमाण हैं कि वो साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26, इसमें क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब साकार परमात्मा के देखना ढेर सारे प्रमाण, अपने रूप को साकार हुआ भगवान, सरल करता हुआ यानी हल्के तेज पुंज का बनाता है,
और वह कांति में परमात्मा, अब यहाँ इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया है, यहाँ देखिए यह है कबीर अतः अत्यो कबीर अतो, ये कबीर हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, इन्होंने इसको अपसर्ग लगा दिया, इसको हम रह लगा के हलंत भी लगा सकते हैं अपसर्ग हटा करके, तो भी कोई व्याकरण त्रुटि नहीं। हम इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, जैसे ये कबीर अतो, यहाँ कबीर अतो, और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा, और कबीर देव, ये देखिएगा ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये स्पष्ट लिखा है, कबीर देव, देव माने परमेश्वर, और कबीर, हम कबीर देव, कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना पड़ेगा तब आसानी से हमारे समझ में आओगे, आपको दिखाते हैं अभी। अब आपको इन्हीं जो व्याकरण के जानने वाले माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान समझे जाते थे, ये नकली महर्षि दयानंद ने इन वेदों में बट्ठा बैठा रखा अनुवाद करने का। ये दयानंद जी का अनुवाद नहीं है जो आपको दास दिखा रहा था, नहीं तो ये इसका भी नाश कर देता। ये नाम दयानंद का इसलिए लिख रखा है कि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं। ये नौवां और दसवां मंडल ऋग्वेद का दयानंद जी का अनुवाद नहीं है, ये तो एक और एक आचार्य का अनुवाद है जो दयानंद जी के ही सिद्धांत को महत्व देता रहा, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं सका। अब यहाँ कबीर देव को जैसे यजुर्वेद है उसके ऊपर रह लगा हुआ है, और कहीं पर केवल यजु भी लिखा हो प्रकरणवश, तो वहाँ भी विद्वान पुरुष को अंडरस्टूड होता है कि ये यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद इज ए होली बुक, यजुर्वेद एक पवित्र पुस्तक है, और उसके विषय में चर्चा कहीं लिखी गई है, तो अंडरस्टूड होता है वहाँ यजु भी लिखा हो, यजुहु, यजु माने लगा कर दो अपसर्ग लगा रखे हों, तो उसको अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, जैसा कि स्वामी दयानंद ने किया हुआ है। देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दयानंद का अपना अपने करकमलों से इसका अनुवाद है, ये अनुवादकर्ता स्वामी दयानंद है, राइटर नहीं है वेदों का, राइटर तो वेद व्यास जी है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में ये है, 36वां अध्याय षट त्रिश अध्याय आरंभ, इसके प्रथम मंत्र में ही लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द लिखा है, इसके दो अपसर्ग लगा दी गई है, और यहाँ देखिएगा इनका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने, ये यजु अपसर्ग लग के यजु लिखा हुआ है, और इन्होंने फिर इसको अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जहाँ केवल कवि लिखा हो, कबीर लिखा हो, तो उसका अनुवाद करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में, उस कबीर परमेश्वर के बारे में या यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। इतनी सी बात है, इन वेदों को समझना ही आसान होगा। पुण्यात्माओं, हमारे लिए ये वेद पाठ हो रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अब परमात्मा ने दया करी है कि हमारे को वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया,
और दयाकरी परमात्मा ने एकादि पुण्यात्मा से इनका अनुवाद ठीक सा करवा दिया। ना तो दानंद ने तो यजुर्वेद उठा के देख लो, शर्म दर्द हो जाए, ऐसे अनर्थ कर दिए अर्थों के, उसको पढ़ नहीं सकता आदमी। ना तीन वेदों का घर घर में प्रचार होता यदि इनका अनुवाद ठीक होता। अब फिर देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, आप पढ़ रहे हो मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को साकार हुआ भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको बैठी, गरीबदास जी ने कहा है ब्रह्मवेदी में। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अच्छी आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, यानी साकार है, अपना उनका रूप लिखा है, उनका नाम लिखा है और वो उस अच्छी आत्मा को आकर मिलता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का ही मंत्र 27 देखिएगा, परमात्मा को प्राप्त होती है। जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, द्यूलोक कहते हैं वो तेजों में सवर ज्योति, सतलोक, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर देव जी विराजमान हैं। अब देखिएगा 82 का ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अभी दिखाते हैं आप ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1। इसमें कहा कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी रचना करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, वैसे अरुष माने साकार होता है, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव, राजेव माने राजा के समान, इन्हीं के शब्दों में। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर सबदायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सधे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, कितना स्पष्ट कर दिया, वो परमात्मा साकार है और वो पापों का हरण करने वाला है, पाप नाशक है, जो सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी रचना करने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, राजा के समान देखने योग्य साकार है, दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में चारों ओर सबदायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो अच्छी आत्मा है उसको, दृढ़ भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो
और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से चलने वाले हो, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर आप तुरंत आ जाते हो, आप कबीर देव हैं। अब यहाँ स्पष्ट समझ लेना पुण्यात्माओं, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये है कबीर वेधस्य, ये रह है ऊपर, ये कबीर वेधस्य, यहाँ कबीर शब्द है, इनका इस रह हटा दिया इन्होंने, जैसे सीधा ये लिख दिया है, जहाँ पर अभी आपको दिखा था जहाँ यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। शुद्ध स्वरूप हैं हमारे पापों को दूर करके, हे अमर परमात्मा सो मन, हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, उत्पन्न करें। अच्छा आगे देखना, अब तीसरे में है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए चलकर आते हैं। गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं आप हैं, आप स्वयं गतिशील होकर यानी चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं, सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ विचल गए, यहाँ कोई और अर्थ बनेगा, लेकिन हम अपने उसको समझें कि वो परमात्मा स्वयं गतिशील होकर चलकर आता है और भक्तों को प्राप्त होते हैं, स्वयं लोक लोकांतरों में वहाँ से चलकर आते हैं। अब पुण्यात्माओं, वेदों में कितनी बार लिखा है कि वो परमात्मा साकार है और फिर भी हम अभी तक इसको निराकार कहते रहे, ये दोष पुण्यात्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालाकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर इन 1 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, पर कबीर देव, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए, वह परमात्मा कबीर देव है, यहाँ लिखना चाहिए था, इन्होंने मेधावी लिखा है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, जो भक्त हैं उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। आपको कुछ एक मंत्र दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे सत्संग बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा को पहचाने नहींगे, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे कि भगवान कैसा है, कहाँ प्रमाण है। आज आप दास के इन वचनों को सदग्रंथों में देख रहे हो और ये दास सन 1994 से यही व्याख्या करता आ रहा था, परमात्मा को इसी प्रकार बता रहा था, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने पहले बताया हुआ था और हमें 100% विश्वास था, अपने मालिक पर कॉन्फिडेंस था। और आज परमेश्वर ने दया करी सन 2001 में इस दास के अंदर विशेष प्रेरणा की, जब क्रोथा आश्रम निर्मित कर दिया, पहले घर घर गांव गांव में जाके सत्संग करते थे, बहुत बिजी लाइफ था दास का, फिर इतना अत्यधिक पाठ हो गए सत्संगों की, अधिकता बढ़ गई, घर घर नहीं जाया जा सका, दया करी परमात्मा ने एक आश्रम बनाया करो था मैं, वहाँ फिर कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, कुछ समय मिला, पाठ सामूहिक करने लग गए जैसे अब हो रहे हैं,
एक दिन प्रेरणा की परमात्मा ने इस दास को कि इस वेद मेरा भेद है। इस वाक्य से बड़ा प्रभावित हुआ दास के, परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है तो अवश्य मालिक के बारे में जानकारी पाएगी। फिर दया करी दाता ने कि इनके द्वारा कुछ अनुवाद किए हुए थे अटबट, उनको देखा, उनमें भी बहुत सा तथ्य अनुवाद इन्होंने अड़ंगा करते हुए भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, तो बड़ी खुशी हुई। फिर श्रीमद् भगवद गीता जी को देखा, ओए अर्थों के अनर्थ करके उन्होंने सारा काम बिगाड़ रखा था। फिर दया करी दाता ने गहरी नज़र गीता में इस दास ने श्रीमद् भगवद गीता का पुनर अनुवाद किया जो आज आपके कर कमलों में है। अब आपको और ढेर सारे प्रमाण दिखाते हैं, 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, देखिएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है दर्शत दर्शतेम हे, इन्होंने अड़ंगा कर रखा है ज्ञान से देखने योग्य, हे देखने योग्य यानी साकार अत्यंत बल युक्त सबसे के प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 2 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा देखने योग्य साकार लिखा है, अनुवाद स्पष्ट है। फिर मंत्र नंबर 2 में हे अनंत बलवान ईश्वर, जो जो विज्ञान प्रकाश को प्राप्त होने औषधि आदि पदार्थों के रस को, इसमें स्पष्ट आपको साक्षात करने के लिए स्तुति करते हैं, साक्षात माने देखने के लिए। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में लिखा है मनुष्यवत अग्ने, इसने क्या किया है अनुवाद करते समय इस दानंद ने बठा बठा रखा है। इब यहाँ लिखा मनुष्यवत अग्ने, अग्ने माने परमेश्वर, ये इसने अड़ंगा कर दिया। मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, अग्ने यहाँ लिख दिया, और ये लिखना था मनुष्यवत अग्ने हे मनुष्य के समान, मनुष्यवत मनुष्य के आने जाने के समान ये अड़ंगा कर दिया। मनुष्य के वह मनुष्यवत मनुष्य के समान, ये तो आम बच्चा भी समझ सकता, मनुष्यवत माने मनुष्य जैसा, मनुष्य के तुल्य, अग्ने माने परमेश्वर, ये आपको बहुत बार समझा रखे। अब दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 36 मंत्र 9 में यहाँ लिखा है देखने योग्य रूप को उत्पन्न कीजिए हे परमात्मा, उस देखने योग्य रूप को उत्पन्न माने हमारे सामने आइए, यहाँ इन्होंने लिख दिया अग्ने माने सभापते, यह लिखना था हे परमेश्वर आप, यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 25 मंत्र नंबर 18 में यहाँ देखने योग्य परमेश्वर है हे मनुष्य, तुम जिस विहारों में उत्तम और निष्कर्ष बातों का सहन होता है उनमें ठहर कर, जो कि यहाँ लिखना था विश्वदर्शतम सबके, विश्व माने सबके, दर्शतम माने देखने योग्य परमेश्वर है, ज्ञान दृष्टि नहीं, ये इन्होंने अड़ंगाड़ा रखा है। आगे देखो अब ज़्यादा ना समझा के कुछ एक आपको दिखाते हैं जिसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि एक कहानी है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 34 मंत्र 4 में हरि रूपई संभजते, पाप नाशक परमात्मा अपने रूप से अभिव्यक्त होता है। ये तो ब्रह्मांड रूप अड़ंगा इन्होंने डाल रखा, सीधा लिखा रूपई रूप से अभिव्यक्त माने प्रकट होता है, साकार है। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 54 और मंत्र नंबर 2 में हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ अर्थात व्यापक होकर विचरता है, घूमता है, चलता फिरता है, और लोगों को उत्तम वाणी का उपदेश देता हुआ उनमें विचरता है, बता निराकार की तरह गया, इनको पूछनिया ओकड़े इतनी अड़ंगा डारे थे, वे तो अप अनुवाद कर रहे हैं, स्पष्ट लिख रहा क्या कि हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ और
ये व्यापक होकर नहीं बढ़ाता, विचरता है, यानी वहाँ घूमता है, आता है और लोगों को उत्तम वेदवाणी का उपदेश करता है। वेदवाणी का नहीं, अपनी अमृतवाणी का उपदेश करता हुआ उनमें विचरता है। और देखो मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 मंत्र 3 में, हे परमेश्वर, कौन तुम्हारी महिमा का पूरी का पार पा सकता है, या ये लिखना है, हमसे पूर्ववर्ती ऋषि लोग प्राप्त किए हैं, आपको हमसे पहले वाले महापुरुषों को आप मिले हो, आपको प्राप्त किया है, जिस कारण से कि तुम अपने तन व मन शरीर से, प्रकृति रूपी नहीं, ये नडंगा डाना था, तन व मन शरीर से पृथ्वी और धूलोक को भी अथवा माता और पिता को भी एक साथ उत्पन्न करते हैं। इससे यह है कि परमात्मा आप अपने शरीर से यानी वचन से इन सब को उत्पन्न करते हो। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं जो कि समझदार को संकेत इतना ही बहुत होता है। अब आपको सुनाते हैं सृष्टि रचना के बारे में। एक धर्मदास नाम के प्यारी आत्मा कबीर परमेश्वर जी उनको मिले। धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान दिया। धर्मदास जी जो थे वो भगवान श्री विष्णु जी के उपासक थे और उन्होंने एक रूपदास नाम के गुरु भी बना रखे थे। रूपदास जी के बताए अनुसार धर्मदास जी सब क्रियाओं को करते हुए अपने मानुष जीवन को व्यर्थ कर रहे थे। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहें कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उसी उद्देश्य से परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसा वेद प्रमाण कर रहे हैं वो लीला परमात्मा ही करते हैं और वो लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही की है। इसलिए कबीर इज गॉड, बंदी छोड़ कबीर इज गॉड, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो काशी में बनारस में जुलाहा बनकर जुलाहे रूप में रहे थे। उसी दौरान वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी विष्णु जी के कट्टर उपासक थे, हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अन्य जितनी भी दोक वेद के आधार से क्रियाएं बताई गई थी उन सबको किया करते थे। उसी आधार से वो वृंदावन में चले गए थे, मथुरा के अंदर पहुंच गए थे, क्योंकि उनके गुरु रूपदास जी ने उनको बताया था कि बेटा 68 तीर्थ कर ले, तेरे पास धन बहुत है, क्योंकि वो बहुत बड़े सेठ थे, रईस थे और वैश्य कुल में उनका जन्म था। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था। धर्मदास जी कर्मकांड किया करते थे, एक विष्णु जी की मूर्ति उन्होंने साथ रखी हुई थी। 68 तीर्थ में स्नानार्थ और लाभ के लिए वो वहाँ चल पड़े थे और मथुरा में पहुँच गए थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे, स्नान किया करते थे, उस तालाब में गुरुजी के बताए अनुसार स्नानार्थ गए थे कि वहाँ जाने से मोक्ष हो जाएगा। तो कबीर परमेश्वर जी जब धर्मदास जी को मिले, उनको उस तीर्थों के बारे में बहुत सी जानकारी दी। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब से एक लोटा पानी का भर के और बाहर एक गाय के गोबर और मिट्टी से कुछ स्थान लीप के अपने नित नियम कर रहा था। नित नियम यानी प्रतिदिन के आध्यात्मिक क्रियाएं, उनमें से मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा पूजा जैसे कर्मकांड
सब परमात्मा की छोटी सी मूर्ति, उसके सारे श्रृंगार, धोती कुर्ता सब कुछ, उसके कंठी माला तिलक मुकुट आदि, तो उनको नवाते शुद्ध जल से, फिर नए कपड़े पहनाना, उनकी फिर आरती करना, उसके बाद फिर वो गीता जी का एक अध्याय का नित्य पाठ करना, और हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, सीता राम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, आदि आदि मंत्र सभी जाप किया करता था। तो परमात्मा कबीर जी एक जिंदा संत के रूप में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में, ये जिंदा महात्मा मुसलमानों में अत्यधिक होते हैं। उनकी कैसी वेशभूषा होती है, दाढ़ी होती है और सिर के बाल ज़्यादा बड़े नहीं होते, उसके ऊपर एक टोप पहनते हैं ऐसे लंबा सा, और काला ओवर कोट, और एक केवल कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के लिए कैसे भटक रहे थे, वहाँ पहुँच गए मथुरा में और देखा उस प्यारी आत्मा को डले डोते हुए। थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो गए परमात्मा आकर के, और ध्यान से सब क्रियाओं को देख रहे हैं। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान हमारी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है इसके भी भाग जाग जाए, इसके भी पुण्य उदय हो जावे, हमारी क्रिया को स्वीकार कर लेवे और इसका उद्धार हो जावे। ये सोच थी उस पुण्यात्मा धर्मदास जी की, और परमेश्वर को एक सिंपल मैन मान रहा था, एक साधारण सा व्यक्ति जिसने अपना एक रूप बदल रखा हो, संत रूप में घूम रहा है। अब यहाँ समस्या सबके सामने उपलब्ध है कि हिंदू समझते हैं हमारी साधनाएं श्रेष्ठ है मुसलमानों की ठीक नहीं, मुसलमान समझते हैं कि हमारी साधनाएं ठीक है हिंदुओं की ठीक नहीं। अपना आत्मा इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कौन ठीक है और कौन गलत है। अब जब देखा कि एक व्यक्ति हमारी साधना को देख रहा है और वो भी मुसलमान धर्म का, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ ऊंचे सुर में बोलना शुरू किया और साथ में उसका अनुवाद भी करने लगे। सातवें अध्याय को पढ़ा, फिर आठवें को लगातार पढ़ दिया कि आज एक अध्याय और सही, ताकि इसका कुछ उद्धार हो जाए। अब उसने जब अपनी सारी क्रियाएं कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए धर्मदास जी के, और धर्मदास जी ने क्या बना रखा था कि जैसे एक वैष्णव संत होते हैं, एक लंबा तिलक सफ़ेद या नाक के ऊपर और माथे ताई, और एक कंठी माला डाल रखी, और वैष्णव साधु वाला वेशभूषा कर रखी उसने, साथ में गीता जी पुराण आदि वो बहुत सी पुस्तकें थैले में डाल रखी। अब परमात्मा ने उससे कहा कि हे वैष्णव संत, हे महात्मा जी, हाय हाय पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आप अबोध बच्चे हो बिल्कुल, आप इस ज्ञान को धीरे धीरे समझोगे फिर आपको रोना आया करेगा, ये बातें आपका याद आवेंगी क्योंकि आप पुण्यात्मा हो और अभी आपके अंतःकरण में मलिनता अधिक आ गई है, लेकिन पुण्यात्मा के ऊपर मलिनता का असर अस्थाई होता है, कुछ दिनों में ये तुरंत साफ हो जाएगा और फिर आपका याद आऊँगी ये बातें कि हे पालिक, आप हमारे लिए इतने दुख पाए, हम दो कौड़ी के जीव को वो संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जैसे रामानंद जी को कहा, अब धर्मदास जी को कहा। क्या कहा कि परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप में वहाँ उपस्थित, और धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैं बहुत जगह भटक लिया, मैं भले ही सन्यासी बन गया हूँ
लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं किसी से। जो भी प्रश्न मैं करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, मेरी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। और आपको मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ आशा की किरण फूटी है, मुझे लगता है कि आपसे मेरा कोई समाधान हो पाएगा। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अब धर्मदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे करो प्रसन्न, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो स्वामी परमात्मा का और उस आत्मा का कैसे संवाद हुआ ये अमृतवाणी में सुनाते हैं। पुणात्मा जो आनंद परमात्मा के इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको आवेगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है, आत्मा की खुराक है। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं गरीबदास महाराज जी की अमृतवाणी है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा में। जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहेब जी अपने गौओं का ग्वाले बनकर अपने ही खेतों में बाहर गए हुए थे। 10 वर्ष की आयु थी और भी बहुत से ग्वाले थे। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से गति करके आए थे, जैसा वेद प्रमाण देते हैं वो परमात्मा ने लीला पहले की हुई है, वेद आज हमारे समझ में आए हैं। सन 1727 में जब आदरणीय गरीबदास साहेब जी 10 वर्ष के थे, वो परमात्मा अपने स्वभाववश अपने गुणाधार से अपनी लीला करते हुए सह शरीर सतलोक से आए थे कबीर परमेश्वर, और खेतों में जहाँ जंगल में गऊ चरा रहे थे वहाँ गरीबदास जी को मिले थे। फिर गरीबदास जी की आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को निकाल कर शरीर से ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति दिखाई, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अपने यानी अपने स्थिति से परिचित करवाया, और फिर उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद गरीबदास साहेब जी ने कबीर परमेश्वर की आँखों देखी, जो कलम तोड़ महिमा लिखी है वो आपके समक्ष दास पढ़कर सुना रहा है। अब धर्मदास जी और परमेश्वर जी का कैसे संवाद हुआ था। दर्जंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के कहते हैं वृंदावन में शैल सपट्टे को चल पड़े परमात्मा, और वहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। पर बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। एक सतगुरु का रूप उतार के वो धनी यानी कुल मालिक ही अवतरित हुए हैं, चलकर आए हैं। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाणा, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परमात्मा कहते हैं वहाँ वो धर्मदास इन नकली क्रियाओं का दीवाना हो रहा था, आचार विचार ये कर्मकांड में ही दीवाना था, उसके ऊपर आसक्त था। तो परमात्मा ने क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कमी। वो पूर्ण परमात्मा उस जीव को कहता है कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, स्वामी माने मालिक, हे मालिक आप कहाँ से आए। परमात्मा पूछ रहे हैं धर्मदास जी को, क्योंकि यदि परमात्मा शुरू से ही उसको टोक दे तो धर्मदास सुने नहीं। हम इतने अंडी पाक रहे हैं आज के दिन, मनो शरीर हो, घर में पैसा हो, शरीर स्वस्थ हो, फिर ना सुनते हम किससे की, हम तो अभिमान में टिट्टी पाक जाते हैं। और इसलिए परमात्मा अपने आप को अधीन बना के फिर हमें सेट करता है। कहते हैं कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी,
पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बोले धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक अचार विचारे, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब धर्मदास जी कहता है कि मैं वैष्णो वैरागी हूँ और सदा धार्मिक क्रियाओं में लीन रहता हूँ और सुदर को हम निकट नहीं आने देते, क्योंकि उस समय छुआछात की सी बीमारी थी। धर्मदास जी कहते हैं कि सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार और अमरी करनी जो करे सो उतर बौजल पार। हमारे वाली साधना कर लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़वागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रहस्य कौन किन्हें तुम नाम दिया है। यानी तुम्हारे गुरुजी कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो ए वैष्णो संत। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान सेव माने पूजा, पुरुष माने प्रभु की, किस परमात्मा की तुम पूजा करते हो और कहाँ ध्यान लगाते हो। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदा ही, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई हो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाई यो हो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब जाइए पंप परमात्मा ना मरता धर्मदास, आगे चर्चा ना करो। अब भगवान ने पहले उसके खूब पुल बांधे कि ये खुश हो जा, मान बड़ाई का भूखा ये प्राणी है ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, और कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। और फिर परमात्मा कहते हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। फिर ने पूछे हैं कहीं कोई विशेष ठिकाना है तुम्हारा, कोई आश्रम है या कोई गुफा में कहीं रहते हो, या ऐसे रमता राम हो भरमते ही रहते हो। और आपने तो बहुत गणा यू जोड़ा जाड़ा भर रखा, सालग राम और सुंदरी धूप और दीप पूरा सामान ले रखा है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई है ब्रह्मचारी। अर के कहें परमात्मा ने बोले हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा कहते हैं मारा बेड़ा मेरा बेड़ा पार करियो और मन रास्ता बता दो। अब फिर क्या बताता है धर्मदास, अपनी सारी हिस्ट्री बताता है। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुल जात सुदर की नहीं बात सुनी जय। हम सुदर को निकट नहीं आने देते, धर्मदास मेरा नाम है और बांधोगढ़ मेरा गांव है और वैसे कुल में मेरा जन्म है। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्ला गिर छरकंद सब संत पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटते हैं हम शंकर सेसा। धर्मदास जी बताएं हम के पूजा करा करते हैं, राम कृष्ण का जाप जपें और भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ।
नेम धर्म से नेहे स्नेह दुनिया से नाही, आरुडम वैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी पहले नो सोचा है कदे यू अपना ज्ञान समझाना चाहो मेरे ते स्पष्ट कर दी कि मैं तो अपनी क्रियाओं पर अपने गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर आरूढ़ हूँ और किसी की मैं मानू को ना, मेरा फाइनल जचरी है कि यही विधि है, यही मार्ग है। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, और हुडम वैराग और की मानू नाही। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए चीना सृजनहार। अब धर्मदास कह रहा है कि सुन ले जिंदा, हम वैष्णो साधु हैं और मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कैसे किया है? 68 तीर्थ घूम के नानू के। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालिग आए, अरको 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। कि जिस पत्थर की मूर्ति ने तू लिए फिर रहा इसका आगे घंटी बजाओ। ये तो पत्थर बोला न चाल, कितने दिन हो गए तेने इसकी सी पूजा कर दे, कदे बात हुई तेरी इसकी? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। बोलत गटगट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदु नहीं जान्या, चिदानंद को चीन डारिये पत्थर पासाणा। राम कृष्ण करोड़ों गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से है अब बूझो ज्ञान विवेक। के थोड़ा सा भी विवेक रखता हो ना तू, अब बूझ मेरे पे कैसे ये राम कृष्ण करोड़ों मर गए रो धनी एक का एक। देखो धर्मदास की बुद्धि कितनी स्लिप हो रही थी। परमात्मा को कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। परमात्मा को कहता कहाँ से आया ए जीव। बोल जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि अठार भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आद अनादि हम हैं अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमार, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत घनसार। बोलत धर्मदास सुनो सर्वांगी देवा, दीखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। अब धर्मदास जी ने जो परमात्मा से वार्ता प्रारंभ की तो परमात्मा ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी, कृपा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं बहुत भटक लिया हूँ। अब धर्मदास जी ने बताया कि मैं राम कृष्ण का जाप जपा करूँ और शंकर जी की भी पूजा करता हूँ और विष्णु जी मेरा इष्ट रूप में पूज्य है, मैंने रूपदास नाम के एक गुरु जी से उपदेश भी ले रखा है और गीता जी का नित पाठ किया करता हूँ, जिंदा आप भी ऐसी ही क्रिया करो आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा ने कहा कि आप भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की पूजा करते हो और आप प्रतिदिन गीता जी का पाठ भी करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप धर्मदास जी एक बात बताइए, एक समय एक किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्ति हुई और किसान ने सोचा कि ये पुत्र जब तक युवा होगा हो सकता है मेरी मृत्यु हो जावे, और उसने क्या सोचा कि मैं अपना खेती का अनुभव लिख देता हूँ। उसने प्रत्येक क्रॉप का प्रत्येक फसल का
समय उसमें प्रत्येक एकड़ में कितना बीज और किस समय सिंचाई, कितना खाद डालना चाहिए, कौन से मौसम में कौन से मास में उसकी बिजाई होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और अपने पुत्र से कहा कि बेटा हो सकता है मेरी कभी मृत्यु हो जाए, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरी मृत्यु के उपरांत आप इस व्यवसाय को, खेती को संभालना, और मैंने अपना अनुभव इस बही में लिख दिया है, पैड में, आप इसको पढ़कर इसके अनुसार करना, ठीक है। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, अब वो पुत्र जो है किसान का, उस अपने पिता के अनुभव को प्रतिनित नियम की तरह पढ़ने लग गया। वो पढ़ तो रहा है प्रतिदिन पिता के अनुभव को, और बीज रहा है बाजरा बोण के दिना, मतलब गेहूँ बोया है, या गेहूं के स्थान पर और कुछ बो रहा, ग्वार बो लिया, तो क्या वो अच्छा किसान है, क्या वो धनी हो जाएगा? तो धर्मदास जी कहते हैं ना, वो तो भूखा मरेगा, उसका तो वो तो कति कंगाल हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, श्रीमद् भगवत गीता आप डेली पढ़ते हो, नित नियम की तरह पढ़ रहे हो, और इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि जो भगवान ने आदेश किया था वो इसमें लिपिबद्ध कर दिया वेद व्यास जी ने, और जो इसमें लिखा है यदि हम ऐसा ही करें, ऐसी ही साधना करें, तो हम भक्ति के धनी हो जाएंगे। यदि गीता जी में लिखा कुछ है और हम साधना उससे अन्य कर रहे हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक मार्ग में सफल हो जाएंगे? अब धर्मदास जी कहने लगे, बात तो आपकी ठीक है। तो परमात्मा ने कहा, आप राम राम हरे कृष्ण, हरे राम राधे श्याम सीता राम, और श्री कृष्ण यानी और विष्णु जी और शंकर भगवान का जाप जपते हो, क्या गीता जी में कहीं ये आदेश है? अब उसको पता था कि तो कितने लिखा है को नहीं, भले आदमी जब गीता जी में ये लिखा नहीं, आदेश नहीं, परमात्मा का आदेश नहीं, उसके विपरीत तुम साधना कर रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब धर्मदास जी डेली पढ़ा करता गीता जी, अब वो याद भी थी परमात्मा के कहने के तुरंत बाद उसने खोल ली और देखी, उसमें क्या पाया? जो परमात्मा बता रहे थे वही पाया। अपुनात्मा, हमने गीता जी को खूब पढ़ा, लेकिन पढ़ा जरूर, लेकिन साधना गीता वाली एक भी ना करी हमने, इसलिए हमारी भक्ति का भट्ठा बैठ गया, परमात्मा का कोई लाभ मिला नहीं, सारे नो के नो आपत्तियाँ, आपताएँ, दुख हमारे ऊपर आते रहे, और हम शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके अपना भक्ति का नाश कर बैठे। आज हमने उन सदग्रंथों को पुनः संभालना होगा, और उस सच्चे मार्ग पर हमने फिर से प्रस्थान करना होगा। आप देखना, कुछ दिनों में अगर पूरा विश्व इस मार्ग पर लग गया, परमात्मा ने एक सेकंड में यह पृथ्वी रच दी, सेकंड के कुछ भाग में सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी कबीर परमेश्वर ने एक सेकंड में, और वो क्या नहीं कर सकते आज आपके लिए। एक बार चिट्ठी लिख दी किसी ने कि कबीर जी भंडारा करेंगे, ये साधु संतों के पास भेज दी ये नकली, आगे सारे 18 लाख की संख्या में कबीर परमेश्वर के द्वार पर, और उसमें परमात्मा लीला कर रहे थे कि जैसे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है परमात्मा वो भी पा सकता है, सुबह का आटा था या नहीं था, इस तरह अपना कपड़ा बुनते थे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे। हमें ये दिखाना चाहा कि तुम हमारी तरह करके देखो विश्वास भगवान पर, और ये साधना करके देखो उस परम पिता परमात्मा की। सतलोक से परमात्मा कबीर जी अपना 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन लेकर आगे टेंट लगा दिए चारों तरफ,
18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा करा दिया। बरातमा से आदमी आया करें और 1 महीने पहले चिंता हो जाती है पूरे गांव ने, और वहाँ 18 लाख को भोजन करा दिया। तो आपका हमारा जो रोजगार समय पर टूक, ये कोई बड़ी बात नहीं मालिक के लिए, लेकिन हमें वो विधि नहीं प्राप्त जिससे परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है।